आपका नाम मैंने पता लगाया, आपका नाम दमयंती जी है, है ना? जी। और अभी ये स्टॉल देखा, मुझे मालूम हुआ कि आप थारू जनजाति से हैं, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि मैंने थारू जनजाति पर ही रिसर्च किया, वो भी पश्चिम चंपारण के थारू जनजाति पर। तो मुझे उनको वहां से यहाँ आ करके और ये स्टॉल लगा रहे हैं और ये स्वरोजगार का साधन उनका बढ़ रहा है, उद्यमी बन रहे हैं, महिलाएं भी बन रही हैं, मुझे बहुत खुशी। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ दमयंती जी। तो दमयंती जी, हमें ये बताइए कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब चीजों की कैसे आपने शुरुआत की और वहां से यहाँ तक पहुंचे, जबकि ट्राइबल लोग जनरली बाहर निकलना पसंद नहीं करते, है ना? मैं दमयंती कुमारी सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरी सोच बनी और कुछ महिलाओं से भी मैं बात किया करती थी, वैसे अब मुझे समय मिलने लगा है तो मैं उनसे मिलती जुलती थी, तो उन्होंने भी बात को रखी और मेरी भी सोच बनी। उनकी बातों को सुनती थी और रात में चिंतन करती थी। अच्छा। मनन करती थी कि इनकी बातों को कैसे हम कार्य रूप में लाएं। तो मैं यही सोची कि इनके मन में जिज्ञासा है उद्यमी बनने की। अच्छा, खुद ही उन लोग ऐसे बातचीत करते थे। जी जी। तो मैं उनसे बातचीत की, फिर सोच बनाई कि हम लोग छोटे स्तर से शुरू करें। हाँ हाँ। तो कुछ मैं सामग्री मंगाई, धागे मंगाए और ये हैंडलूम बनाया। उसके बाद उन्हें कुछ करना आता नहीं था जी। लेकिन मैं स्वयं जाकर वहां, पहले से हस्तकरघा चल रहा था, वहां जाकर वो नारा भरना, बॉबिन भरना, ये सब मैं स्वयं सीख कर आई और यहाँ बताने लगी। मैंने सेवानिवृत्ति मतलब के 60 साल आपके पूरे हो गए। जी जी जी। उसके बाद जो है आपकी ये इच्छा जागृत हुई जी, और फिर आपने सीखा जी, और उसको फिर आप, हाँ बताइए कैसे आगे बढ़ाया। तो उसके बाद ये सब सामग्री मैं बनवाई, मतलब कि करखा बनवाई, वो चरखा बनवाई। अच्छा। ये सारी चीजें बनाकर और खुद सीखी, वहाँ एक सेंटर में जाके खुद सीखी। उसके बाद आकर थरवट में, थरवट में कहाँ पर? अपने ही गांव में। अच्छा। हमारी गांव का नाम क्या है आपका? बिसरौली। और रुक्मिणी देवी का सेंटर पहले से चल रहा, तो उन्हीं के सेंटर में जाती थी और उसके साथ वो सब काम सीखती थी। तो आई और अपने सेंटर की इन महिलाओं को भी सिखाने लगी, तो इन्होंने सीखा। शुरू शुरू में तो कुछ सामान मेरा क्षति पहुंचा क्योंकि सीख रहे थे। हाँ, स्वाभाविक, तो स्वाभाविक है कि खराब होगा, फिर भी। लेकिन आप हतोत्साहित नहीं? हतोत्साहित नहीं हुई और मैं उनसे बताई भी कि आप चाहेंगी तभी चलेगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं चलेगा। मुझको भी देखना होगा आपको और खुद को भी देखना होगा, अपने काम को भी संभालना है घर का, क्योंकि हम लोग उतने सक्षम नहीं हुए हैं अभी, तो इसीलिए दोनों तरफ देखना होगा आप लोगों को। तो उन्होंने भी ये मंजूर किया कि हाँ, हम लोग आपका साथ देंगे। तो
धीरे धीरे करके हम लोग सारे काम को सीख लिए। अभी चार हस्तकरघा मेरे अंडर में है अच्छा और वो बढ़िया से चल रहा है। और फिर मुझे मौका मिला था रांची जाने का, वहां भी स्टॉल लगा था तो मैं रुक्मिणी देवी के साथ गई थी अच्छा जिनका पहले से चल रहा है, तो उनके साथ आई थी, सब देखी। और उसके बाद मुझे यहाँ आने का भी अवसर मिल गया आदि महोत्सव में। अच्छा तो ये पहली बार आप बाहर निकले पहली बार मैं आई हूँ, और भी दिल्ली में छलांग दिल्ली मारने में छलांग मार जी। और और यहाँ इन्होंने बताया कि बहुत लोग नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग कहें कि उनका रोजगार अच्छा चल रहा है, हम लोग देख कर आए हैं, इसलिए उनको आना जरूरी है। तब मेरा भी सपोर्ट मिला यहाँ से भी, और मैं हमेशा ये देखते रहती हूँ, तो क्योंकि देखती हूँ कि केंद्र सरकार से ये क्या कहते हैं, राज्य सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो सोची कि जरा निकल कर मैं भी बाहर देखूं तो तो आप मुझे लखपति दीदी हो गई हैं, मोदी जी कहते हैं। अभी तो लखपति नहीं बन पाई हूँ, लखपति पहुंच लेकिन गई हैं, हो ही गई जी हैं। जी उसके मतलब कि यहाँ तक आई हूँ तो मन की जिज्ञासा तो जरूर पूर्ण हुई, बढ़ती जा रही है। और मुझे पूर्ण लगता हुई है है, प्यास लेकिन प्यास नहीं मिटी है। अपने नहीं मिटी है, करना है, करना जी है। जी करना है तो करना है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक मुझको देखकर और दीदी लोग भी सीखें और आगे आए, क्या बात, जी मेरी यही सोच है, क्योंकि मेरी तो अब उम्र नहीं है। नहीं, वो मत मान के चलिए ही मत। हाँ जी उम्र जो है ना, जी वो जी समझिए कि नंबर है। हाँ ना, बस लगे रहना है। हाँ लगे रहना है, जब तक चल रहा है ये हाँ शरीर लगे रहना है, छोड़ना तो नहीं है मुझे। और जो बढ़ना चाहेंगी आगे उनको एकदम सपोर्ट करते रहना है। तो ये यहाँ पर आई तो आप जी कैसे आई, कैसे आपका आना हुआ, कि कोई सोर्स कि किस तरह से आई यहाँ पर, या रहना खाना जी पीना। यहाँ से मुझे जब ये स्टॉल लगना था तो यहाँ से खबर गई, अच्छा और तब बताया गया कि रेट बताइए, रेट पूछ रही हूँ। हाँ वो है, ये एक ले, हाँ 600 का, 600 का जी। कोई डिस्काउंट इस सेंटर में जाकर जी वो बताएंगे। अच्छा ये उनका सामान, हाँ उनका इनका सारा सामान बिक चुका है। हाँ अच्छा। और ये लोग एक ही गांव के हैं दोनों, सो यहाँ पर चूंकि खाली नहीं रहे, अच्छा बिहार से गए बिहार हैं, से, और ये हमारे हाँ स्टेट देखिए थारू ट्राइब है इनके। जी झारखंड हो गया, हाँ रांची नहीं तो बिहारी रांची के। थारू। हाँ हाँ तो ये लोग थारू ट्राइब जो है ना। हाँ जी अब देखिए मेरी मेहनत कहाँ तक कामयाब हो नहीं, रही नहीं है। कामयाब हो रही हो। देखिए आप वहां से, जी हम जी थारुवट पूरा घूमे हुए हैं, जी जी आपसे जी मैंने बातचीत जी हम करेंगे, और अभी जी बता रहे हैं जी कि थारुवट हम पूरा घूमे हुए हैं, और हम करीब 30-40 सालों से तो जान ही रहे हैं उसके बारे में। उसके पहले से थारू दोस्त था मेरा, स्कूल डेज में, मतलब 50 साल से मेरा एसोसिएशन है थारू जी जी लोगों से, जी और समझिए कि 80 20 30 20 10 30 34 और 4 मैंने 37-38 सालों से तो लगातार है, कंटिन्यूअस है, और इसी बीच में मैंने PhD जमा किया। तो वहां की क्या स्थिति थी, जी लोग किस सब जानते अवस्था हैं, में थे, वो मैं जी जानता हूँ। जी उस हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि यहाँ आप लोग आ करके और सब संभाल रहे हैं, हिसाब जी किताब कर रहे हैं, जी जी तो जी ये मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे मालूम हुआ कि ये मैंने इस स्टॉल पर थारू लोग बैठे हुए हैं, जी जी तो मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई। तो जी जी उसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के जी लिए। जी मैं अपने जी को अब थारुक से अपने को मिला के देख रहा हूँ, इसलिए जी मैं जी हम लोग कह रहा हूँ जी जी कि हम जी लोगों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जी लोग वहां से जी और यहाँ पहुंचे हैं, और ये स्टॉल देख रहे हैं, और एक ही बार उस देश के जी राजधानी जी में पहुंचना, राजधानी में पहुंचे पहले आप नहीं पहुंच आई थी जी कभी जी फिर, नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी।
और और ये यहाँ भी मैंने देखा आपसे बातचीत के क्रम में मालूम हुआ कि जी जितनी भी आपकी चीजें थी सब बिक गई हैं, जी ये जी बताइए। और ये आपने और लोगों से जो आपके यहाँ आए हैं उनसे लेकर के आपने इसमें यहाँ रखा हुआ जी जी है कि नहीं? और एक बात और मैं कहना चाहूंगी जी कि जी यहाँ आने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मुझे बहुत ही सहयोग मिलेगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार हाँ से, और मैं इन ग्रामीण महिलाओं को लेकर आगे बढ़ सकूंगी बिल्कुल जी, और ये स्वावलंबी बने बिल्कुल। जी 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 और आपको ये भी बता दें कि जी आप लोकल से आप भी ग्लोबल हो रही हैं, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जी हैंडलूम जो हाथ से आप लोगों ने इतनी जी मेहनत से जी बनाया जी है, ये भी ग्लोबल हो रहा जी आप जो कह रहे हैं सर, ये ग्लोबल होने की बात है। मुझको भी पूर्ण विश्वास है। बताइए कि 2.5 साल तौलिए का पीस था, वो 3 दिन के अंदर खत्म हो गया क्या था, बताइए एकदम एक भी नहीं रहा मेरा। बताइए बताइए। तो मुझको भी विश्वास हो रहा है कि मैं हो सके तो कहीं ग्लोबल हो ग्लोबल हो जाऊं गई, अब यहाँ जी आ गई तो अब यहाँ जी से मतलब, जी और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इस तरह के और जी लोग भी किए होंगे, लेकिन जी मुझे तो चूंकि काफी लगाव है थारू जी से, जी थारू जी भाइयों से, बहनों से, तो मैं इसको, और ये तो अब जो मैं कर रहा हूँ ये तो सारी दुनिया में देखा जाएगा, जी यूट्यूब पर आएगा तो सब कोई देखेगा, कहीं भी जी कोई भी देख सकता है, तो जी मालूम होगा कि दमयंती कुमारी जी भी एक हैं, और 60 वर्ष के उपरांत भी जी उनमें वो मतलब उद्यमिता है, जी और ये काम करके यहाँ तक पहुंची है, और लोकल को ग्लोबल कर रही है जी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने को भी, जी है कि जी नहीं? जी थैंक चलिए दमयंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, यू और कुछ कहना चाहेंगे आप? दमयंती जी, इतनी बातचीत जी हुई, लेकिन जी ये आप हम लोग बात करना तक मिस कर गए कि जी आप कैसे यहाँ पर आए, किस माध्यम से यहाँ आए? हाँ अच्छा, ये एकदम जरूरी था कहना सर। तो मैं ट्राइफेड के माध्यम से यहाँ तक पहुंची हूँ, ये ट्राइफेड की ही देन है कि मैं आज दिल्ली में पहुंच पाई ट्राइफेड वाले कैसे जी आपसे संपर्क किए, या आप संपर्क किए कैसे क्या? जी वही जो मैं रुक्मिणी देवी की बात अच्छा कहती हूँ, तो वो रुक्मिणी देवी ही बताई कि आपको चलना है वहाँ दिल्ली, आपका भी नाम ये आया। देखिए बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं। नहीं नहीं ये है पास, ये है छह अच्छा सौ वो भी छह सौ नहीं। वो क्यों सॉरी हाँ तो उनके पास खबर आई और वो बताई कि आपका भी नाम है वहां से, आपके आपकी भी बुलाहट है अच्छा, यहीं से जी। ट्राइपॉड ने बुलाया? ड्राइवर ने बुलाया तो मैं भी तैयार हुई और अपना सामान पैक की। रहने होने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था हमको स्वयं करना था, अपनी मर्जी के अनुसार हम लोग किए, और वो पैसा हमको अच्छा, रिम्बर्स हो जाए, जी अच्छा बढ़िया बढ़िया। जी आने जाने का भाड़ा वाड़ा दे, जी जी ये सब कुछ देखिए पूछ रहे हैं। जी। 5.5 ये 5.5 है, ये स्टॉल है या शॉल? कितने परसेंट? ये तो Thank you.